हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी न्यूज़ रहेगी टिकटॉक, पबजी और कोविड-19 पे एक छोटा पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ मेलेनिया, जो दोस्तों दोनों के दोनों कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, तो इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे दोस्तों, पबजी क्या परमानेंट बैन है। हाँ दोस्तों, अब फिलहाल एक जो गवर्नमेंट के पर्सनल सोर्स है इस मैटर को रिलेट करते हैं, अब इन्होंने भी यही कहा है ये परमानेंट बैन है, इस बैन हट नहीं सकता। इसके हटने के चांसेस भी इन्होंने बताए हैं दोस्तों, थोड़े बहुत चांसेस हैं। वो क्या चांसेस हैं इन्होंने डिटेली एक्सप्लेन किया दोस्तों रीयूटर्स के रिपोर्टर्स को, सोचा ये भी आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ करके। तीसरा बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक ग्लोबल, दोस्तों टिकटॉक ग्लोबल की जो डील है इस पर जो भी डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स है इस पर सारे के सारे जो कंसर्न्स है इस पर फिलहाल टिकटॉक काम कर रही है, और ढेर सारे जो डेटा इश्यूज US ने मांगे थे ये सारे के सारे इन्होंने रिसॉल्व किए, और थोड़े बहुत इस ये समझो टिकटॉक ने रिसॉल्व नहीं भी किया दोस्तों इधर पे, इस पर भी ढेर सारी डिटेल मिली है, सोचा ये सारी चीज़ आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अब इसके सारे डिटेल्स पे। दोस्तों पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ जो मेलेनिया, दोस्तों दोनों को समझो आज सुबह कोरोना वायरस हुआ है, मतलब कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। आप सोच रहे होंगे ये मुझे क्यों बता रहा है करके, भाई ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा केसेस समझो दोस्तों 80,000 से 90,000 केसेस इंडिया में भी आने लगे हैं, जब एक सेलिब्रिटी को या फिर एक्टर को या फिर कोई नेता को या फिर पॉलिटिशियन को आता है तो सब अफसोस करते हैं, सब समझो रोते हैं और उनकी दुआ करते हैं। जब एक गरीब को आता है ना, उसकी जान की कीमत ही नहीं होती दोस्तों, उसकी कोई फिक्र नहीं करता। समझो रिसेंटली अमिताभ बच्चन हमारे जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, इनको आया था तो उस समय में सब रो रहे थे, धो रहे थे, अपनी सिंपति दिखा रहे थे, अफसोस बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहे थे हर जगह से। पर जब एक गरीब को आता है हॉस्पिटल में, मर जाता है बगैर बेड के, बगैर इलाज के, तो कोई इस पे बात नहीं करता दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप भी सेफ रहो, अपनी फैमिली को भी सेफ रहो, तो बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने आपको ये बता दिया दोस्तों, क्योंकि मैं भी देखता जा रहा हूँ दोस्तों, हर बार फ़ोन करो। अब रिसेंटली हमारे सराउंडिंग में भी ढेर सारे केसेस आए थे, फ़ोन करो तो बेड्स अवेलेबल नहीं रहते, वेट करो 2 दिन, वेट करो 3 दिन, वेट करो। तो समझो दोस्तों फिलहाल तो कोविड-19 जो वायरस पहले जितना मजबूत था उतना फिलहाल है नहीं, क्योंकि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है ये लड़ना चालू कर लिया इस चीज़ से, तो वायरस थोड़ा कमज़ोर हो गया दोस्तों। उसके बावजूद भी सेफ रहना हमारे लिए ज़रूरी है, आने के बाद लड़के जान से खेलने से बेहतर है पहले से ही सेफ रह जाओ, इस चीज़ से बच जाओ तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों। तो सोचा इसको सावधान, आपको सावधान कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि आपकी समझो सेफ्टी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, मैं हर बार यही कहता हूं, आज भी यही कहता हूं। तो दोस्तों प्लीज़ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करो, फेस मास्क बहुत ही समझो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रख के चलो दोस्तों, तो सेफ रहो। क्योंकि मैं जैसे कि बताया था आपको, बस किसी बड़े अमीर आदमी को आता है या फिर सेलिब्रिटी को आता है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ऐसे किसी को आता है तो अफसोस किया जाता है, रोते हैं, धोते हैं, उनकी दुआ करते हैं। जब एक गरीब आदमी को आता है ये कोई बात करना भी नहीं चाहता दोस्तों, तो प्लीज़ बी सेफ। और दोस्तों जो आपने बताया डोनाल्ड ट्रंप, उनके वाइफ को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया आज सुबह, और ये होम क्वारंटाइन होने वाले हैं दोस्तों 7 डेज के लिए, और जो भी इनके एंगेजमेंट्स और मीटिंग्स थे रिसेंटली सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए, और बस थोड़े बहुत मीटिंग्स रहेंगे जो वर्चुअली कॉन्फ्रेंस किया जाएगा दोस्तों। सोचा ये सारी चीज़ आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो ये थी दोस्तों पहले कोविड-19 वाली डोनाल्ड ट्रंप को पॉजिटिव पाएगा ये न्यूज़। अब दूसरा बात करेंगे दोस्तों पबजी की न्यूज़ पे। दोस्तों जो रीयूटर्स के सीनियर रिपोर्टर्स हैं, जो भी इस मैटर को फेमिलियर हैं और ये बैन के रिलेट में, पबजी के बैन के रिलेट में गवर्नमेंट सोर्सेस से इनसे इंटरव्यू लिया गया और इनसे पूछा गया क्या ये पबजी का बैन हट सकता है। तो इधर पे जो गवर्नमेंट सोर्स है दोस्तों, जो भी ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस मैटर को पबजी के बैन पर रिलेट करते हैं, इन्होंने ये कहा ये परमानेंट बैन रहेगा, फिलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है, ये बैन परमानेंट रहेगा ऐसे समझ के चलो करके इन्होंने बताया दोस्तों। क्योंकि अब इन्होंने रीज़न भी दिया है, बैन हट भी सकता है एक रीज़न उस पर भी दिया दोस्तों। अब ये रीज़न इन्होंने इधर पर ये दिया है, जो पबजी कॉरपोरेशन है इनका जो चाइना से रिश्ता था, बस ये चीज़ से हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप समझो ये चीज़ को पबजी कॉरपोरेशन ने चाइना से जो रिश्ता था, टाइप था, इसको काट दिया, टेंसेंट्स मोबाइल के साथ काट दिया और उनके लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया और उनके पब्लिशिंग राइट्स को भी छीन लिया, इसके बावजूद भी हम लोगों को प्रॉब्लम है, बस ये एक चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। इस रिश्ते को हटाने के बाद भी ढेर सारी जगह है जिस जगह पर पबजी कॉरपोरेशन ने हमारे जो गवर्नमेंट लॉ और समझो सिक्योरिटी रीजन से इस जगह को वायलेट करती है, ढेर सारी जगह करके इनका कहना है दोस्तों, एक दो नहीं, बस जो चाइना इससे रिश्ता का प्रॉब्लम होता तो कुछ होता, पर उससे आगे भी जाके ढेर सारी जगह है जिस जगह पे हमारे समझो सिक्योरिटी कंसर्न से इसको वायलेट करती है पबजी कॉरपोरेशन करके, ये गवर्नमेंट सोर्स जो है दोस्तों इन्होंने कहा है दोस्तों। अब रही बात वो कैसे कैसे सिक्योरिटी रीजन से, अब इन्होंने ये डिटेली एक्सप्लेन नहीं किया, बस इतना कहा है बहुत सारे जगह है जिस जगह पे ये वायलेशन समझो पबजी कॉरपोरेशन तोड़ती है इंडिया के लॉ के
खिलाफ जाके ये चीज़ करती है करके इनका कहना है दोस्तों। अब एक और चीज़ इधर पे इन्होंने ये कही है दोस्तों, चाइना में जो पबजी चलता है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, समझो चाइना की गवर्नमेंट लॉ को दिमाग में लेके एक पर्टिकुलर गेम बनाया गया, जिस जगह पे कोई चाइना का रूल ब्रेक नहीं करती पबजी कॉरपोरेशन, उनके लिए एक स्पेशली डिज़ाइन बना के एक पबजी गेम बनाया गया, जिस जगह पे चाइना टोटली सेफ है, हम क्यों इतने प्रॉब्लम में आए। तो हमारे लिए भी ऐसा कोई स्पेशल गेम डिज़ाइन होके इंडिया के अंदर आएगा, इंडिया के लॉ के साथ जो भी इंडिया की मांग है इसकी पूरी करके लेके आएंगे, एक स्पेशली डिज़ाइन मोबाइल गेम लेके आएंगे, तो थोड़े बहुत चांसेस हैं इनके वापसी के करके। इधर पे जो गवर्नमेंट सोर्सेस है दोस्तों ये इन्होंने कहा है दोस्तों। अब रही बात चाइना में कैसा है ये क्या है पता नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं पबजी मैं खुद नहीं खेलता, पर इन्होंने ये बताया स्पेशली डिज़ाइन होता है हर चीज़, सिर्फ पबजी मोबाइल करके नहीं, चाइना के ढेर सारे गेम्स हैं, ढेर सारे ऐप्स हैं, सारे के सारे पर्टिकुलरली चाइना के लिए बनाते हैं, चाइना से बाहर ये कोई यूज़ भी नहीं कर सकता, चाइना में ही यूज़ कर सकता है। तो ये इतने सेफ है, हमारा भी हमारी भी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब इनका जो कहना है एक साइड से सही है। तो अब इन्होंने ये भी कहा है एक स्पेशली डिज़ाइन बना के लेके आओ तो हम लोग सोचेंगे इसका करके अब इन्होंने कहा है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों अब इन्होंने ढेर सारे अब इन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया सारे के सारे डेवलपर्स को, पबजी के डेवलपर्स को, कि पूरे वर्ल्ड का जो रूल है इसको ब्रेक करते हैं करके। अब इसका जवाब जो पबजी कॉरपोरेशन के डेवलपर्स हैं इनको देना होगा, इन्होंने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बता दिया जो भी पबजी कॉरपोरेशन का मोबाइल के डेवलपर्स हैं ये वायलेट करते हैं सारे के सारे रूल्स को, वर्ल्ड के रूल्स को करके, इधर पर कहा जा रहा है दोस्तों। अब एक और चीज़ इधर पर ये कही जा रही है दोस्तों, समझो बैन हो पड़ा है फिलहाल इंडिया में और ढेर सारे कंट्रीज में, उसके बावजूद भी टॉप फाइव में आ गया है डाउनलोडिंग, मोस्ट डाउनलोडिंग ऐप्स गेमिंग ऐप्स में टॉप फाइव में पबजी आता है करके कहा जा रहा है दोस्तों। पहले 10वें नंबर पे था, आज अब समझो आज की अपडेट है, रिसेंट अपडेट ये, इसमें 5वें नंबर पे पबजी पाया गया दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। सोचा ये सारी चीज़ आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ करके। तो ये थी दोस्तों आज की पबजी की न्यूज़। तो अब बात करेंगे टिकटॉक की न्यूज़ पे। बाइटडांस दोस्तों टिकटॉक की पेरेंट कंपनी फिलहाल ये जो भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यूएस में, फिलहाल जो टिकटॉक ग्लोबल की डील चल रही है इसको लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि अब ये डील फाइनलाइज होने वाली है बहुत ही जल्द। तो उससे पहले जो भी सिक्योरिटी रीजन्स है दोस्तों, अब डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स इन पे लगे, इनके आरोप लगे, इन पे समझो ढेर सारे आरोप लगे हैं दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करके डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स, ऐसे ढेर सारे आरोप लगे, इस सारी चीज़ को क्लियर करना होगा बाइटडांस को बहुत ही जल्द, क्योंकि उससे पहले ये अग्रीमेंट साइन नहीं हो सकता करके कहा जा रहा है। तो फिलहाल बाइटडांस इस पे काम भी कर रही है, जो कि CFIUS की मांग है, सारे के सारा जो भी डेटा कंसर्न है इस इश्यूज से इसको क्लियर करो पहले करके इनकी मांग है दोस्तों। अब CFIUS कमिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन US इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अब इनके साथ मिलके समझो बाइटडांस काम भी कर रही है, जो भी प्रॉब्लम है इसके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व भी कर रही है, ढेर सारे प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व किया भी गया है दोस्तों, और थोड़े बहुत प्रॉब्लम है जिस जगह पे ये रिसॉल्व कर नहीं पाई है दोस्तों बाइटडांस करके, इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। अब रही बात डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्तों, फिलहाल समझो ढेर सारे कह रहे थे कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब कोर्ट में लीगल एक्शन लिया गया था और इनकी जीत भी हो गई थी टिकटॉक की, तो ज़्यादा गुन्नस में रहेंगे, कुछ कर लेंगे करके ढेर सारी चीज़ इधर पे कही गई दोस्तों। टिकटॉक ग्लोबल डील पे ये कॉन्सेंट्रेट भी कर नहीं पा रहे, क्योंकि इनको फिलहाल इनका री इलेक्शन है नवंबर पे, तो इधर पे बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब रही बात आज COVID-19 के पॉजिटिव भी पाए गए, तो फिलहाल इधर पे टोटली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, जो भी इसके फेमिलियर पर्सन है अब ये फिलहाल इनके साथ काम करेंगे करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। अब एक और चीज़ इधर पे ये कही जा रही है दोस्तों, बाई चांस समझो 12 नवंबर तक ये जो डेटा सिक्योरिटीज रीजन है, ये डील है, जो अग्रीमेंट है साइन होने वाला, ये कंप्लीट नहीं भी हुआ तो इनको आगे भी थोड़ा टाइम मिल सकता है, क्योंकि नेगोशिएशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इनका हक बनता है थोड़ा बहुत टाइम एक्सटेंशन का करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब रही बात उससे पहले हो जाएगी करके बाइटडांस ने वादा किया, पर इसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों, तो थोड़ा बहुत टाइम एक्सटेंशन मिल सकता है अगर डील कंप्लीट होने वाली है और 5-10 दिन चाहिए या 20 दिन चाहिए, तो इस पे भी इनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा करके इधर पे जो फेमिलियर है दोस्तों, इस मैटर से फेमिलियर है पर्सन, इन्होंने कहा है दोस्तों। अब एक और चीज़ इधर पे ये कही जा रही है दोस्तों, जैसे ये डील और अग्रीमेंट खत्म होने वाला, इसमें जो 5 बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहेंगे उसमें से एक बोर्ड ऑफ मेंबर को हेड बना दिया जाएगा, वो रहेंगे दोस्तों वॉलमार्ट के CEO डग मैकमेलन है दोस्तों, इनको बना दिया जाएगा करके कहा जा रहा है। अब रही बात ओरेकल की, ओरेकल जो भी प्रोडक्ट ऑपरेशंस और डे बाई डे बिजनेस है समझो US का और आउटसाइड US सारे का सारा इनके अंडर में जाएगा, ये एक बार अग्रीमेंट साइन हो जाएगा ये दो चीज़ 100% श्योर है इधर पे इनके कंट्रोल में रहेगा करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब एक और आखिरी चीज़ इधर पे ये कही जा रही है दोस्तों, शार्क अवार्ड्स 2021 में बेस्ट
बेस्ट कंज्यूमर इनसाइड कैंपेन अवार्ड टिकटॉक को गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ये आज की ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों, टिकटॉक इंडिया के ट्वीट में ये अपडेट हुआ था, सोचा ये सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी न्यूज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।